हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। गुरुग्राम में सामान्य अस्पताल के निर्माण का अब रास्ता साफ हो गया है। जल्द ही अस्पताल का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। फिलहाल पूरे अस्पताल की इमारत को तोड़ दिया गया है। वहीं स्कूलों से भी 2 एकड़ जमीन अस्पताल के लिए ट्रांसफर हो चुकी है। 11 एकड़ में करीब 500 बेड के इस अस्पताल को बनाने में 245 करोड़ रुपए की लागत आएगी। फिलहाल अस्पताल की इमारत 9 एकड़ में थी, जिसके बाद स्कूल की 2 एकड़ की जमीन को इसमें ट्रांसफर किया गया। अस्पताल में लगी हुई ये जमीन थी। गौरतलब है कि 1975 में बने इस अस्पताल की छत को जर्जर होने के बाद यह फैसला लिया गया। फाइनलाइज करें तो लैंड, ये 9 एकड़ लैंड हो गई है जो इमारत जिसमें हम बैठे हैं, ये वाला एरिया प्लस 2 एकड़ हमारी एजुकेशन की, तो टोटल 9 एकड़ पे इसकी ड्राइंग तैयार होनी थी। तो इसका इंजीनियर इन चीफ ने, चीफ आर्किटेक्ट ने नक्शा इसका पास कर दिया है। वो हमारा 500 बेडेड हॉस्पिटल, 800 रिबिल्डिंग बनेगा यहीं पे, वो पहला काम तो ये हो गया। सेकंड होता है कि इसके लिए बजट के लिए एलोकेशन, वो ये काम भी हमारा हो गया कि 245 करोड़ का ना कॉस्ट, रफ कॉस्ट एस्टिमेट बन के गया था, वो स्टेट पे गया हुआ है। उसके लिए भी हमारे EIC से जाकर के हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट चला गया, तो फाइनेंस डिपार्टमेंट जाएगा, उसके बाद इसका बजट अलॉट हो जाएगा।